If you want to enjoy more horror TV content like this, please subscribe to our channel and click the bell icon. आज रात यहाँ मेरी शादी होने वाली है और यहाँ ना तो एक लाइट है ना कोई डेकोरेशन। वेन्यू तो यही है लेकिन पता नहीं सब लोग कहाँ हैं। कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? कोई है यहाँ पर? रोहन, सिमरन, कहाँ गए तुम लोग? रोहन, कोई है? मैं ही हूं। कितनी देर लगा दी तुमने आने में? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। खैर, जिसका 18th बर्थडे है उसे विश नहीं करोगी तुम? किसका? किसकी बात कर रही हो तुम? बेसब्र हो रही हो तुम उससे मिलने के लिए? स्टॉप इट। वो भी उतना ही बेसब्र है तुमसे मिलने के लिए। और वो आ रहा है, सो लेट्स सेलिब्रेट।
ये सपना नहीं था, ये तो सच था। आ नहीं, मैंने तो शादी का जोड़ा पहना था, ये सब क्या हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? चांदनी, चांदनी आई ओके? क्या हुआ तुम्हें, तुम चिल्लाई क्यों? ये देखो, ये क्या, ये चोट कैसे लगी तुम्हें? तुम लोग जाओ, मैं देखती हूँ। क्या हुआ है? किम्मी, मैंने प्रिया को देखा, वो यहीं कहीं थी। प्रिया? हाँ किम्मी, प्रिया। चांदनी, तुम जानती हो प्रिया मर चुकी है। नहीं किम्मी, मैंने मैंने प्रिया को देखा है, वो मुझे ना उसके पास लेकर गई और वहां पर वही गाना वो गा रहा था। चांदनी, जस्ट रिलैक्स, रिलैक्स, चीयर अप। आज तुम्हारी शादी है और ये दिन तुम्हारी जिंदगी का सबसे खास दिन है। ओके, सुनो, ये सारे बुरे ख्याल आते ना, तुम विंडो के बाहर फेंक दो। ओके, चलो, गेट रेडी नाउ, तब तक मैं मैनेज कर लूंगी। चलो चलो चलो। टाइम भी हो गया। चांदनी दीदी, दीदी दीदी, क्या कर रही हो आप अब तक? टाइम देखो, आप अभी तक रेडी नहीं हुए। आपको पता है सब रेडी हो गए और सब आ चुके हैं अभी तक। हाँ, मैं बस रेडी हो रही हूँ, लेकिन सिमरन, रोहन कहाँ है? अरे बॉस, अरे बॉस, ये क्या कर रहे हो यार? ऐसे ऐसे करो, देखो शाम को मेरी होने वाली बीवी मुझे कुछ कंप्लेंट ना करे, और इसको वहां भी लगाओ ना, वो जो एरिया खाली छोड़। रुको, मैं बताता हूँ आपको। जीजू जीजू, होल्ड होल्ड, वैसे ही रुकना, फोटो ले ले दो, स्माइल करो ना। सो क्यूट। वैसे जीजू, पूरी दुनिया में आप इकलौते ऐसे दूल्हे होंगे जो खुद की शादी में इतनी सारी तैयारियां कर रहे हैं। सो मच एक्साइटमेंट। वैसे मैंने दीदी को बता दिया कि आप कितने एक्साइटेड हो। तूने चांदनी को बता दिया? और रोहन, अरे दूल्हे के बच्चे क्या कर रहा है यार तू? जाके तैयार हो, बाकी सारी तैयारियां हम कर लेंगे। अरे यार, कैसे होगा सब कुछ, रात को कॉकटेल पार्टी और इतना कम टाइम है हमारे। डोंट वरी गाइस, आपको किसी किस्म की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने सब तैयारियां कर दी। हाय, क्या हॉट स्टाफ मैनेजर है! ऐसी मैनेजर हो तो रिजॉर्ट तो कभी खाली ना हो। एक्सक्यूज मी, मेरा मतलब है कि रिजॉर्ट की मैनेजर तो स्मार्ट ही होनी चाहिए ना। इट्स, डोंट माइंड, ही इज नेचुरली फनी। इट्स ऑल राइट। वैसे शादी आपकी है, सबसे शानदार तैयारियां कर दी है मैंने, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। आपकी शादी की हर चीज यादगार होनी चाहिए और उसे हम जरूर बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच। रोहन, 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 पता नहीं कहाँ चले गए सब लोग। रोहन, चांदनी, कौन है, कौन है वहां पर, कौन है? कौन है, कौन है यहाँ पर? कौन है वहां पर, कौन है?
क्यों नहीं कुछ? कौन है वहां पर? अरे चुपचाप क्यों खड़े हो? बोलती क्यों नहीं कुछ? कौन है वहां पर? कौन है? चली जाओ यहां से और वापस मुड़ के कभी नहीं आना। वो आ गया है, वो आ गया है। कौन आ गया? वो आ गया है। छोड़ो, छोड़ो। जानवी, क्या बात है? यहाँ क्या कर रही हो? आस्था, वहाँ पे एक लेडी है जिसने मेरा हाथ पकड़ा। वो पता नहीं क्या क्या बोल रही थी मुझे। आस्था प्लीज। अच्छा सुनो सुनो, काम डाउन काम डाउन। देखो उस औरत से दूर रहो। वो हमारे रिसॉर्ट की पुरानी एम्प्लॉय है, थोड़ी सी पागल है, और वो कुछ भी कहे ना तुम सुनना नहीं, ठीक है? अरे चांदनी, अभी तो पार्टी की सारी तैयारियां करनी है। चलो बहुत काम बाकी है, चलो चलो। कम ऑन, कम ऑन, चलो चांदनी कम। हाय चांदनी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। इतने अच्छे दोस्त रहे हैं, फिर तुम्हारा इतना बड़ा दिन मैं कैसे मिस कर सकती थी? तुम्हारी शादी में तो कैसे भी करके आना ही था, सो आ गई। क्या हुआ, तुम लोगों को खुशी नहीं हुई मुझे देखकर? वेल प्रिया, अभी हम लोग तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। तुम कहाँ चली गई थी? थोड़ा दूर चली गई थी, पर अब वापस आ गई हूँ। क्यों चांद, मुझे देखकर खुशी नहीं हुई तुम? प्रिया दीदी, प्रिया, नाइस टू मीट यू, कम ऑन जॉइन अस। मेरे लिए कमरा बुक नहीं कराया तुमने? अरे आइए ना, मैं आपको कमरा दिखा दी। चलिए, प्रिया के हाथ बिल्कुल ठंडे थे, बर्फ की तरह। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, ये वापस कैसे आ गई चांदनी? ये जिंदा कैसे? प्रिया,
होप आपको हमारा ये वाला कमरा पसंद आएगा। वैसे डिनर और पार्टी एक घंटे में शुरू हो जाएगी। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लीजिएगा। एक एक्स्ट्रा बेड लगवा दो यहाँ। एक्स्ट्रा बेड? क्या कोई और गेस्ट भी आने वाला है? आप किसी को एक्सपेक्ट कर रही हैं? मुझे अकेले सोने की आदत है। क्या मतलब? जितना कहा है उतना करो। जी ठीक है, मैं अभी भिजवाती हूँ। कितना प्यारा म्यूजिक है, पर ये आवाज कहां से आ रही है? उस तरफ से आ रही है। से आ रही है। क्या कर रही हो तुम यहाँ पे? मैंने बाहर म्यूजिक की आवाज सुनी तो सुनते सुनते यहाँ चली आई। वैसे दीदी बहुत ही प्यारा म्यूजिक है, कहाँ से आ रही है आवाज? ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, क्या है ये दीदी? कितना खूबसूरत है ये, प्लीज इसे रख लो थोड़ी देर के लिए। हाथ मत लगाना इसे। अब मना क्यों कर रही हो दीदी? एक तो वैसे इतने साल बाद आई हो, ऊपर से कोई गिफ्ट तक नहीं लाई मेरे लिए। मना कर इसे। मैं आपसे गिफ्ट लेकर ही रहूंगी और यही लूंगी। इसे मत देना। मैं तो ले रही हूँ। बाबा प्रॉमिस जल्दी लौटा दूंगी इसे, ठीक है? चलो मैं जा रही हूँ, सी यू एट द पार्टी। हाँ
किसी को ये बहुत डरावना सा। मुझे तो कोई भी नहीं है सिमरन, तुम क्या कह रही हो? पता नहीं दीदी, दीदी उसने कहा कि मेरा नाम जॉनी है। क्या बकवास कर रही हो तुम सिमरन? जॉनी? जॉनी तो यहाँ आ ही नहीं सकता, तुम क्या कह रही हो? जॉनी, जॉनी डोंट स्क्रीम, चुप हो जाओ। अरे ये कौन जॉनी? नहीं रोहन, कुछ नहीं, हम बस ऐसे ही बातें कर रहे थे। लेकिन लेकिन जॉनी है, मैंने खुद देखा। शट अप सिमरन, एक छोटी सी बात समझ नहीं आती तुम्हें? एक बार बताया ना, यहाँ कोई नहीं है, जाओ जाओ अपने कमरे में जाओ। मैंने क्या कर दी थी, सबके सामने मुझे डांट दिया। वो तो स्टूपिड जॉनी परेशान कर रहा था, उसको समझाने के बजाय मिले मुझे दोबारा, बताऊंगी उसे। पता नहीं कहां छिपके बैठ गया। तुम्हारे पीछे सिमरन। सिमरन, इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम ठीक तो हो ना? और ये क्या लेके घूम रही हो तुम? गिफ्ट। गिफ्ट? आपके लिए। पर सिमरन, गिफ्ट की क्या जरूरत है? तुम भी ना, ये गिफ्ट क्यों लाई हो? नहीं दीदी, मना मत करो, बहुत मन से लाई हूँ। पहली शादी की तैयारियों में बिजी थी तो दे नहीं पाई थी, सोचा अभी दे दूं। ओके ठीक है, दो। थैंक यू सो मच, चलो अंदर तो आओ। नहीं दीदी, मैं बहुत थक गई हूं, मैं सोने जा रही हूं। सिमरन, चांदनी दीदी, ये गिफ्ट अभी खोलना मेरे जाने के बाद। ऐसा क्या खास है इसमें? एक काम करो, तुम ही खोलो। स्पेशल गिफ्ट है,
आपके लिए, खुद ही देख लेना। स्पेशल गिफ्ट? जॉनी, तुम्हारे लिए स्पेशल गिफ्ट लाई, इसे हमेशा अपने पास रखना। ओके, खोलो। हाँ, मैं इसे हमेशा अपने पास संभाल कर रखूंगा। ये तो वही म्यूजिक बॉक्स है जो मैंने जॉनी को दिया था, लेकिन ये सिमरन के पास कैसे आ गया? लगाई जा रही है? अरे मैं भी लगा देता हूं, बहुत अच्छी मेहंदी लगाता हूं जी। क्या बात है, आप लोग यहां मेहंदी लगा रहे हैं जिसकी शादी, इसका पता ही नहीं है ना सिमरन का पता ना चांदनी का। अरे तुम्हें तो पता ही है उसे कितना टाइम लगता है तैयार होने में। रुक जाओ, आ जाएगी। मैं चेक करके आता हूँ जरा। ए हेलो, कहां मिस्टर?
अभी तक शादी नहीं हुई है कि आप कभी भी हमारे दोस्त के रूम में चले जाए। हाँ हाँ हाँ, वेरी फनी। मैं तो बस चेक करने जा रहा हूँ कि वो तैयार हुई है कि नहीं हुई। चांदनी, चांदनी, ये आवाज कहाँ से आई है? चांदनी, चांदनी से शादी करेगा तू? चांदनी सिर्फ मेरी है, वो किसी और की नहीं हो सकती। तू उसे दूर ले जाना चाहता था ना? मार डालूंगा तुझे, नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा तुझे। चांदनी सिर्फ मेरी है, मेरी है चांदनी। छोड़ मुझे, छोड़, छोड़ मुझे, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दो, आओ मेरे साथ, आओ, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दे मुझे, मार डालूंगा। नहीं रोल, रोल वो चांदनी नहीं थी, तुमने वो आवाज सुनी? वो आवाज भी चांदनी की नहीं थी। रोहन, मुझे ऐसा लगता है कि चांदनी में कोई घुस गया, और अगर उसको कुछ हो गया तो। अरे नहीं विक्की, चांदनी को कुछ नहीं होगा, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा विक्की, है ना केमी? हाँ। यहाँ पे इतने सारे लोग थे, लेकिन ये सब चांदनी के साथ ही हुआ। अगर तुम कुछ जानती हो तो प्लीज देखो मुझे सब कुछ सच सच बता दो। ये जॉनी कौन है कि? ये जॉनी कौन है कि? जॉनी, जॉनी हमारे जिंदगी का सबसे खौफनाक पन्ना था, जिसे 6 साल पहले चांदनी और मैं बंद करना चाहते थे, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि वो इस तरह से लौटेगा। चांदनी, मैं और प्रिया एक रात प्रिया के घर पे एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे थे, और उस दिन जॉनी हमारी जिंदगी में आया। एक दिन जॉनी ने एक बहुत बुरी हरकत कर दी चांदनी के साथ, चांदनी वो शॉक, और चांदनी ने उसे थप्पड़ मार दिया। हम लोगों ने उसे कह दिया कि अब कभी हमारे पास नहीं आना, अपना मुंह मत दिखाना। बस उसके एक दिन बाद पता चला कि जॉनी ने छत से कूदकर सुसाइड कर लिया। उसकी बहन उसको बचाते बचाते खुद भी गिर गई, और उसकी माँ अचानक घर में 2 डेथ्स को हैंडल न कर पाने की वजह से शॉक से मर गई। तीनों एक ही रात में खत्म हो गए। लेकिन उसके बाद हमने वो घर छोड़ दिया, लेकिन जॉनी ने हमें कहा था कि वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, और उसकी ये बात सच हुई जब प्रिया ने अपना घर बेचने का फैसला किया, और पता नहीं कैसे जॉनी के घर में कैद हो गई। रोहन, मैं उसका अगला शिकार, वो मुझे भी नहीं छोड़ेगा, मुझे भी मार डालेगा। मरना तो तुम सबको पड़ेगा। सब मरो।
जिसे तुमने कभी देखा नहीं था। तुम जॉनी की बहन हो, मतलब तुम भी? हाँ, मैं भी मर चुकी हूँ। उसी दिन मर गई थी जिस दिन मेरे भाई को मार दिया गया था। मेरा एक ही भाई था जिसे मैं बहुत प्यार करती थी। उसे अकेले कैसे जाऊं? इसलिए उसके पीछे मैं भी मर गई। जिंदा रहते हुए हमारे कोई दोस्त नहीं थे, अब मरने के बाद हम सब साथ रहेंगे। तुम सब मरोगे। जॉनी को रोकने का एक ही तरीका है, किसी एक इंसान को उसके बॉक्स को हाथ में लेके अपनी जान देनी होगी। उस बॉक्स को हाथ में लेते ही जॉनी की आत्मा उसमें घुस जाएगी और उस इंसान की मौत के साथ जॉनी की आत्मा को भी खत्म होना पड़ेगा। जाओ रोहन! म्यूजिक बॉक्स, जल्दी म्यूजिक बॉक्स ढूंढो, जल्दी। मार डालूंगा, मार डालूंगा। दे दो मेरा म्यूजिक बॉक्स, दे दो मेरा म्यूजिक बॉक्स। चांदनी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। चांदनी, चांदनी, मार डालूंगा, मार डालूंगा। नहीं छोड़ूंगा तुझे। नहीं चांदनी, मेरा म्यूजिक बॉक्स दे दे, ये मेरा है। तुझे नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा। तुमने बहुत गलत सोचा आस्था, इसलिए ना तुम्हारा तब भी कोई दोस्त था और ना अब होगा।
चांदनी, चांदनी, यू ओके? चांदनी, क्या हुआ था मुझे? किमी, किमी, सिमरन ये क्या हो गया तुम्हें? सिमरन उठो, सिमरन। बस चांदनी, बस। अब जॉनी हमारी जिंदगी में कभी नहीं आएगा, कभी नहीं।